सारे सारा अपना पिंड जो कूड़ा सुट के जाना बड़ा डक जा गाड़ी लड़ते कहते तुम 11 तक दुकान रहे 12 बाद च सुट लाँगे। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ एक पासे देश भर दे विच स्वच्छ भारत दीआं गल्लां कीतीआं जांदीआं उधर दूजे पासे अमृतसर दे कोट खालसा पुलिस थाने दी गली दे विच कूड़े दे ढेर नूं लै के इलाका निवासियां ने नगर निगम दे खिलाफ जम के नारेबाजी कीती है। इलाका निवासियां दा दसना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो कारपोरेशन नूं कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है लेकिन कोई भी अधिकारी इस दे वल ध्यान नहीं दिंदा। गली दे विच कूड़ा इकट्ठा हो जाता है जिस दे कारण आउण जाण वाले लोगों नूं दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है ते कूड़े दे ढेर बीमारियां नूं सद्दा दे रहे ने। उत्थे ही इलाका निवासियां ते दुकानदारां ने प्रशासन तों मंग कीती है कि इस दा कोई पक्का हल कीता जावे तां जो आउण जाण वाले लोगों नूं परेशानी दा सामना ना करना पवे। होर की कहना सी उहनां दा आओ सुणांदे आ तुहानूं। मेरा नाम जसवीर सिंह जी मेरा सर मैं कोट दुकान अपने हमर करा जी सर साढ़ा इतने जीना का मैं बहुत बुरा हाल जी लोग घर चो सारे सारा अपना पिंड जो कूड़ा से सुट के जाना बड़ा डक जा गाड़ी लड़ते कहते तुम 11 तक दुकान रहे 12 बाद च सुट लाँगे। कोई नहीं इतने अपना कार्रवाई नहीं होती कोई जी गड्डी आँदी किसी आ जाती किसी गड्डी आँदी दो तीन तीन गड्डी नहीं आँदी इतने साढ़ा जीना आराम होया जी बहुत बो आँदी लंघना औखा लोगों का जी जरा बीमारी का घर जी इतने बहुत ज्यादा भी नुकसान है पानी खलोता वा मच्छर पैदा होने दिया वा सारी बीमारियां बहुत ज्यादा पीछे बिल्कुल थाने सामने आ थाने वाले भी करते ही साथ देंगे साढ़े पर लोग नहीं हटते जी वह अफसर कहना जी अफसर अग करते भी इतों कूड़ा बिल्कुल चुकना चाहिए कूड़ा नहीं कोई छुटे जी गड्डिया लगिया घर गड्डिया दी 50 रुपये गड्डी वाले लेंगे 50 रुपये देंगे लोगों को संग होंगे जी खाने भावें 500 रुपये कोई चीज़ा पैसे खा जाते 50 रुपये गड्डी वाले देने नहीं डस्टबिन लगा बहुत ज्यादा नुकसान होना जी और बहुत ज्यादा डस्टबिन लागे इतने 100 कूड़ा सारा पिंड ढुकना इतने जी डस्टबिन नहीं लगना चाहिए जी इतने कूड़ा नहीं होना चाहिए हाँ जी चौंक साफ चाहिए जी हाँ साडा इलाका इतना साफ चाहिए सुरिंदर सिंह कोट खालसा सबका कौंसलर प्रधान गुरद्वारा बोड़ी साहब असी इलाका निवासी सारे इकत्र हुए है कि कोट खालसा दे विच सफाई का बहुत बुरा हाल है थां थां दे उत्ते कूड़े दियां ढेरियां लगियां जिहड़ियां कि बीमारी का कारण बन रही हैं और गरीब लोग जिहड़े है वो बीमारी दे नाल पीसदे जा रहे हैं और कई इस समय के दौरान इतने मौतां हो चुकी हैं। सो वार वार असी कौंसलरां नूं भी बेनती कर चुके हैं MLA नूं भी बेनती कर चुके हैं और होर भी जिहड़े कारपोरेशन के सफाई वाले आउंदे है जिहड़े उन्हां दे इंचार्ज ने उन्हां नूं भी बेनती कर चुके हैं कि ये जिहड़ा कूड़े की गंदगी दे ढेर है इन्हां नूं इत्थों चुकाया जाए तां कि जिहड़े गरीब लोग ने उन्हां नूं राहत मिल सके क्योंकि गरीब आदमी जदों बीमार हुंदा है वह बेचारा तो जाके अपनी जिहड़ी है वो दवाई का इंतजाम नहीं कर सकता जिहड़े दिहाड़ीदार लोग इत्थे गरीब आदमी ने वो दिहाड़ियां करके तो अपने घर का रुजगार का रोटी पानी चलाउंदे है। सो ये बहुत बुरा हाल है कोट खालसा दे विच असी मंग करते हैं कि कोट खालसा दे विच जिहड़ी है वह सफाई की जाए ये कूड़े का जिहड़ा ढेर लगे है इन्हां नूं इत्थों चुकाया जाए और जिहड़े वड्डे वड्डे कुछ इन्हां ने रखदे है वह भी किसी ऐसी थां ते आबादी तों थोड़ा जिहा पासे करके रखे जाण जिहड़े लोग गलियां विच नहीं जांदा गड्डी उत्थों दे आण के उत्थे सुट सकण और उन्हां नूं रोज़ दी रोज़ जिहड़ी है उन्हां दे जिहड़े ट्रक ने जां उन्हां दे जिहड़े वहीकल ने वह चुक के लै जाण तां कि इलाके दे जिहड़े लोग है वह राहत महसूस कर सकण। पर बड़ी बार बेनतियां करन दे बावजूद भी जिहड़ा है वो कोई भी राहत नहीं मिल रही इस करके असी मीडिया दे राही कमिश्नर साहब नूं भी बेनती करते हैं और होर जिहड़े भी कारपोरेशन दे उच्च अधिकारी है उन्हां नूं भी बेनती करते हैं क्योंकि कौंसलरां कोल ते हुण इक बहाना आ गया है कि सांसद ते हुण जी साबका हो गए हैं साडी ते टाइम लंघ गई है। सो इस करके ये जिहड़ा बहाना उन्हां नूं मिलिया है ये अपने आप ते तो फिर असी प्रशासन को मंग करते हैं कि कोट खालसा आबादी राहत दवाई जाए सफाई की जाए।